Links are very important. Na sirf aapki real life mein, but online bhi. Links are your networks. Links say you are able to create connections. You are able to create networks. You are able to create opportunities. Isi tarha, jo online website hai, uske bhi links bahut zaruri hai. Uske links isliye zaruri hai because links pave way for search engine optimization, SEO. जो कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और जिसके लिए डीजी स्किल्स एक पूरा कोर्स भी ऑफर करता है. तो फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिंक्स आर क्रूशल. और मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई है जो w3schools.com है. उस पे जाके यू कैन लर्न मोर अबाउट एचटीएमएल लिंक्स एंड हाउ दे वर्क एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट. तो जब हमने लिंक्स की बात की, द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू ऐड लिंक्स टू मीडिया फाइल्स. मीडिया फाइल से मुराद है कोई भी ऐसी फाइल जो कि या तो एक इमेज हो सकती है या इट कुड बी अ पीडीएफ. कैसे आप ऐड कर सकते हैं? वेल, टेक्निकली देयर आर टू इजी वेज. एक उसमें तरीका ये है कि आप सीधा अपने पोस्ट को खोलें जाके, या पेज को खोलें या कस्टम पोस्ट को खोलें, अपनी जो भी इमेज है उसको ऐड करें. इमेज को ऐड करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट URL की आपके पास टूल बार में ऑप्शन होगी, वो ऐड करें. जिस तरह आपने टेक्स्ट पे एक लिंक ऐड किया था, वैसे ही यू वुड बी एबल टू ऐड अ लिंक टू योर इमेज. तो एक तो बहुत ही सिंपल ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आप ऐड मीडिया बटन पे क्लिक करें, और ऐड मीडिया बटन पे जब आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पर जो आपके ऑप्शन हैं, दोज ऑप्शन विल एक्चुअली शो यू कि आप उस इमेज को किससे लिंक करना चाह रहे हैं, या आप इमेज को एक कस्टम यूआरएल से लिंक करना चाह रहे हैं, या आप डायरेक्ट उसकी जो बड़ी इमेज की फाइल उससे लिंक करना चाह रहे हैं, या आप उसको एक अटैचमेंट पेज से लिंक करना चाह रहे हैं. थ्री ऑप्शंस हैं जो आपको वर्डप्रेस देगा व्हेन इट कम्स टू लिंकिंग मीडिया. क्वेश्चन जो आपके जहन में यहाँ पर शायद आए, जो आप शायद सोच भी रहे हो कि इज़ इट पॉसिबल टू ऐड टू हाइपर लिंक्स टू वन इमेज. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सोचें ज़रा और मुझे इसका जवाब खुद दें. क्या एक इमेज पे हम दो हाइपर लिंक्स डाल सकते हैं? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज़ अ नो. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाइफ में आपके पास काफ़ी रास्ते होते हैं लेकिन आप एक रास्ते पे ही चल के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, वैसे ही लिंक्स आर वन वे डेस्टिनेशन. और एक एंड पे इसकी लोकेशन आपको ऐड आप सिर्फ कर सकते हैं. इमेज पे भी इसी तरह यू कैन ऐड जस्ट वन लोकेशन और वन लिंक. नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इन लिंक्स को एडिट किस तरह से कर सकते हैं, विच वी वांट टू एक्चुअली टीच यू. आप सिंपल लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर एक पेंसिल का आइकन है, वो पेंसिल का आइकन क्लिक करेंगे. दिस कुड बी अ स्टैंड अलोन लिंक और दिस कुड बी एन इमेज विच हैज़ बिन लिंक्ड. पेंसिल के आइकन को क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे अगर कोई एडिट्स करना चाह रहे हैं, कोई वेबसाइट अपडेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप वो कर सकते हैं. लिंक आप नया ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट यू कैन आल्सो रिमूव दैट लिंक. रिमूविंग लिंक क्यों ज़रूरी है? अगेन एसईओ से रिलेटेड ये चीज़ है. आपने देखना है कि लिंक्स आप कितने डालना चाह रहे हैं, कितने रिमूव करना चाह रहे हैं, बट रिमूविंग लिंक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट. रिमूव करने के लिए आप उसी के साथ जो एक्स का बटन है वो दबाएंगे एंड द लिंक will be removed. The same process for simple links and the same process for images or for any kind of file. Another question that might come to you is how can I add or remove HTML links using code? Jis tarah humne aapko pehle sikhaya, uska ek A naami tag hota hai. Agar usi tag ko aap jaake text editor mein nikal denge, links will be removed. We'll give you a live example. Are links important for SEO? They are crucial for SEO. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिंक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. एंड एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड आई ऐड मोर एंड मोर लिंक्स टू माई वेबसाइट? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन
adding links. Aap ek page pe 100 se zyada links nahi dal sakte. That's not good for SEO. Aap balki 50 se bhi zyada links nahi dal sakte. Aap balki 10 se bhi agar zyada links dale, so that might be a little tricky. Isiliye main aapko suggest karunga ki SEO ka hamara ek dedicated course hai, us course ko jaake le, us course ko jaake padhe, samjhe, dekhe. Now let's add links to our website. So hum jaate hain ek website beingguru.com aur us pe jaake we will see ki kaise links actually work. So beingguru.com aap kholenge, it's a technology website. Wahan pe we'll try to see agar koi links add hue hue hain. So I'll click on a link to, aur ye dekh rahe hain aap, ye sare links hain, everywhere you see links. इधर एक एग्जांपल आपको नजर आएगी, देखें ये आपको ग्रीन में नजर आ रहा है टेक्स्ट. अगर आपको कोई भी ऐसा टेक्स्ट नजर आता है व्हिच हैज अ डिफरेंट कलर टू द नॉर्मल टेक्स्ट, दैट्स मोस्ट प्रोबेबली अ लिंक. और लिंक के ऊपर एक हाथ का निशान, इस तरह हैंड का एक निशान चेंज हो जाता है व्हिच शोज यू दैट इट इज अ लिंक. सो इस तरह आप जब वेबसाइट पर जा रहे हैं तो यू कैन सी के लिंक्स आर ऑलवेज ऑफ अ डिफरेंट कलर. जब भी नॉर्मल टेक्स्ट है उससे डिफरेंट कलर का लिंक आपको नजर आएगा. यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि अगर मैं इस लिंक के ऊपर अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो इट शोज अ हैंड आइकन लाइक दिस. दैट हैंड आइकन शोज के दिस इज अ लिंक. नाउ वी विल डू इज वील गो टू आवर वेबसाइट एंड वी विल ऐड अ लाइव लिंक टू एन इमेज, टू अ फाइल. उसी पोस्ट को बल्कि मैं यूज करूंगा जो मैंने पहले ऐड की थी एंड आई एम गोइंग टू एडिट इट. इसी लिंक को जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर मैंने एडिट करना है, आई विल क्लिक ऑन द पेंसिल आइकॉन एंड मैं इसका लिंक चेंज कर सकता हूँ. आई कैन, पहले ये google.com पे जा रहा था, नाउ आई कैन पुट youtube.com. सिंपली लिंक चेंज हो गया. लिंक तब तक सामने रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक आप अपडेट का बटन नहीं क्लिक करेंगे. सो कीप दिस इन माइंड, जब भी आप कोई एडिट करते हैं यू हैव टू क्लिक द अपडेट बटन ताकि सामने फ्रंट एंड पे आपके विजिटर्स के लिए रिक्वायर्ड चेंजेस नज़र आ जाएँ. सो दिस इज़ हाउ यू एडिट अ लिंक. इसके अलावा कुछ आपको मैं ऑप्शन दिखाना चाहूँगा विच आर वेरी क्रूशल. सो एडिट का बटन क्लिक करेंगे तो लिंक ऑप्शन के नाम से एक आपको टूल नज़र आएगा. इधर यू कैन सी लिंक टेक्स्ट, यू कैन सी यू आर एल. आप क्लिक कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट लिंक टू ओपन इन न्यू टैब. अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन लिंक द कॉन्टेंट या ये जो टेक्स्ट है टू एग्जिस्टिंग पेजेस ऑन वर्डप्रेस. देखें वर्डप्रेस के जितने भी हमने पेजेस बनाए हुए हैं इस पे हम लिंक कर सकते हैं. सो लेट्स से मैंने अबाउट पेज पे क्लिक करना है या अबाउट पेज पे लिंक करना है, तो आई क्लिक ऑन अबाउट. ऑटोमेटिकली द यूआरएल इन द टॉप हैज चेंज्ड एंड आई जस्ट क्लिक अपडेट. नाउ आई हैव टू क्लिक अपडेट अगेन इफ आई वॉन्ट दिस पोस्ट टू अपडेट. और इसी तरह आप टेक्स्ट में जाके देख सकते हैं कि इसका लिंक चेंज हो गया. सो दिस इज वन वे. इसी तरह इमेज पे अगर मैंने लिंक ऐड करना है तो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि अब ये एक गोल्डन गेट ब्रिज है, इसका इमेज मुझे नज़र आ रहा है, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस इमेज. आई विल क्लिक ऑन लिंक एंड आई विल अगेन जस्ट लिंक इट. लिंक्स का फॉर्मेट प्लीज़ याद रखिएगा. और अब आप देख रहे हैं ये लिंक इमेज जो है वो लिंक हो गया. आई विल क्लिक ऑन अपडेट, आई विल गो ऑन द मेन वेबसाइट एन एल सी के, देखें ये इमेज क्लिक हो गया. अगेन हैंड का आइकन नज़र आ रहा है, मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये इमेज एक नए लिंक पे खुल जाएगा. व्हाट इफ आई वांट टू रिमूव दिस, आई सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन द लिंक आइकन अगेन एंड आई विल जस्ट बी एबल टू रिमूव दिस. लिंक को मैं रिमूव करूँगा और मैं सेव कर लूँगा. इसी तरह अगर मैंने डमी से यहाँ पर जो टेक्स्ट है मेरे पास लिंक रिमूव करना है, आई क्लिक ऑन रिमूव लिंक एंड आई कैन रिमूव लिंक. दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली ऐड, एडिट और रिमूव लिंक्स. एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट मीडिया लाइब्रेरी से एक इमेज को ऐड कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी लिंक ऐड कर सकते हैं. मैंने इमेज क्लिक किया, राइट साइड पर मेरे पास लिंक टू की ऑप्शन है. आई कैन ऐड अ कस्टम यू आर एल एंड आई कैन इंसर्ट इन टू पोस्ट एंड नाउ that image is again linked. So this is a few of the many ways in which links work, and links work for any file type. aap kisi bhi file type ko apna link karna cha rahe ho to aap ye methodologies use karke link kar sakte hain.
एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा लिंक्स की, कि अगर आपने एक लिंक ऐड किया हुआ है और आप अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं, आप टेक्स्ट एडिटर पे अगर इसका लिंक का जो टैग है वो निकाल दें तो ऑटोमेटिकली द लिंक विल बी रिमूव्ड एज वेल। तो हमने इसमें क्या सीखा कि लिंक्स व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन ऐड एडिट और रिमूव लिंक्स नॉट जस्ट ऑन टेक्स्ट बट ऑल्सो ऑन इमेजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल टाइप्स।